आधी से ज्यादा जो दोस्त है ना वो इंडियंस हैं और मेरी तो इज्जत का सवाल है आपने ये किस बंदे को काम दे दी अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज है अम्मी अब्बू के घर दावत, जहाँ पर भाई की फैमिली भी आएगी, भाभी भी आएंगी, उनके साथ मिलेंगे, गपशप लगाएंगे और साथ सबसे बढ़ के है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। बेस्ट विशेज़ हैं सबके लिए, हमारी टीम के लिए स्पेशली। सुबह से दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हुई हुई हैं। मैं तो कह रही थी मैं ट्रिप लगवा के आज मैच देखना है, और आज एक हमारे घर ऐसी पहली दावत है जहाँ पे हमारे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली जो है वो टाइम के साथ तैयार हो गई है। मैं कब से तैयार हूँ ऐसे बात, और जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया की मैच है ना, मैं मामा को यही कह रही थी मेरे आधी से ज़्यादा जो अब दोस्त है ना वो इंडियंस हैं और मेरी तो इज्जत का सवाल है। बहुत ज़्यादा ट्रोल करना बहुत ज्यादा। अच्छा, आप लोगों को मेरे एक बड़ी मजे की बात बतानी है। मैंने ना 5 बजे पूरे मलाइका को कहा कि मैंने अम्मी को कॉल किया कि भाभी लोग आ गए हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी तक भाभी लोग पहुंचे नहीं है। तो मामा ये कि तुम लोग टाइम से तैयार हो जाते। मामा मैं एक घंटे से तैयार बैठी हूँ। तभी तो तैयार हुए, तब भी मैंने इंट्रो में कहा था कि आज पहली दफा हमारी दावत के ऊपर मेरे सारे घर वाले जल्दी तैयार हो गए। कसम से जो एंड पे खलबली मचती है ना वो बहुत ओखी है। नहीं मैच तो देखना है अभी। मैच कौन सा बेटा लगा, अभी तो 6:15 नहीं हुए, अभी हम जा रहे हैं सीधे नानों के घर, ठीक है। लेकिन अभी तक भाभी लोग बस पहुंचने वाले हैं, मामू लोग अभी पहुंचे नहीं है। अगर मैं आप लोगों से ये ना कहती तो तुम लोगों ने अभी तक तैयार नहीं था ना, तो चलो चलते हैं। जी जी चले हमारे साथ सही किया। मैं कब से मामा तैयार बैठी हूँ, और अब आप देख लें जरा 6:15 हो गया और मैच कितने बजे 7:30 पे। हाँ जी मैच के लिए मैं जल्दी जा रही हूँ। एग्जैक्टली खाना भी ज़रा बन गया होगा। हाँ जी जल्दी जल्दी चलते। और आइंदा जो है वो मैं मामा पे हम भरोसा नहीं करे, क्योंकि मामा ने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफा हमारे साथ किया। तुम लोग डायरेक्ट नानों को कॉल करके। हाँ जी कपड़े हमने धोए थे या बाद में समेटेंगे। जी बिछी रहे आराम से, क्योंकि आजकल ना वो सही अम्मी वाला कमरा होता है ना। हमारी अम्मी के कमरे में भी ना ऐसे ही सोफा कम बैठ जाए, चारपाई बिछी होती थी, हम सारे अम्मी के साथ सोते थे। चले चले मलाइका नहीं अभी तक तैयार। आपकी मलाइका आप तो घंटे से तैयार थी ना। चले आज शाबाश। लिपस्टिक का कलर देख कैसे लग रहा है, रिश्ता की थी है हम रिश्ता देखने जा रहे हैं। मां क्या बात है, रिश्ता कर लीजिए, रिश्ता देख रहे हैं ना। लाइक ऐड कर कसम से, मैंने परफ्यूम ही नहीं लगाया, मुझे भी दे दो बेटा। शुक्र है याद आ गया, थैंक यू मामा। कहीं बाल बंद कर लूं अगर गर्मी तो होनी चाहिए, गर्मी तो नहीं। सर जल्दी जल्दी चल के खा कर आते हैं सर्दी में। बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि आप ही अम्मी कोई ज़बरदस्ती बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें, जिस तरह हमारे बच्चे छोटे हैं या ससुराल की जिम्मेदारियां हैं या फिर हम मैरिड लेडीज़ हैं और हमारे कंधों पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। अभी आप लोगों को पता है कि मैं भी व्लॉगिंग जो है वो रेगुलर नहीं कर रही, क्योंकि मैं ज़्यादा जो टाइम है वो अपने बिजनेस को देती हूँ। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं महविश इस्लाम के साथ जो है वो हेल्थ और फिटनेस पे जो है वो काम कर रहे हैं, हम लोग वो बिज़नेस कर रहे हैं। उसके लिए ज़ाहिर है एक बिज़नेस है तो आपको थोड़ा सा कैपिटल तो लगाना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। पेंशन जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में एज अ हाउसवाइफ जो है वो भी कर सकती हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और हर कोई इस बिज़नेस को जाके ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आपने रब्ता करना है महविश इस्लाम से, क्योंकि मैं पर्सनली महविश इस्लाम के साथ मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, पे टाइम पे आती है, और जो भी मेरे पास फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, जितना मेरे पास टाइम होता है तो उसमें मैं अपना अच्छा खासा जो है वो अर्न कर लेती हूँ। तो लिंक जो है वो फॉर्म का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोगों ने एक काम करना है, वो जो फॉर्म है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, ये उनकी टीम ही आपको ट्रेनिंग देगी। आपने उस जाके फॉर्म को जो है वो फिल कर लेना है, अपनी मिनिमल सी पर इंफॉर्मेशन देनी है, तो बाकी उनकी टीम जो है वो आपसे रब्ता ज़रूर करेगी, क्योंकि एकदम से इतने DMs जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग ये ना समझिएगा कि बिल्कुल रब्ता नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बस ये फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और अपने जाके ढेर सारे आप लोग ख्वाब पूरे कर सकते हो। जो आप जा रही है ना मेरी बात सुने, टॉस कितने बजे 7 बजे और मैच कितने बजे 7:30 पे, है ना बाबा, है ना। आज ऐसी हमारी पहली वाहिद दावत है जिसके ऊपर हमें ये नहीं है कि आज खाने में क्या बना होगा, ये है कि मैच में क्या होगा। जाहिर है गाइस, और ये देखे हवा चली गई ना, मैच में बारिश हो जाए, बल्कि हो ही जाए बारिश, मौसम इतना अच्छा है ना। मामा कह रही है न्यूयॉर्क में ना बारिश हो जाए, मैं कह रही हूँ हो ही जाए, बच जाए। पापा की प्रेडिक्शन से, पापा आप बताएं क्या सीन है मैच का। मेरी सुबह से आज इतनी तबीयत डाउन थी, जिस तरह मैं आज बैठी सुन थी ना, सारी रात में जागी हूँ 10 किस्म के डिफरेंट ख्वाब। एक ख्वाब में मैं ड्राइविंग कर रही थी,
नहीं नहीं बेटा करके पापा कस्टम से ऑर्डर थी, मैं ये ड्राइव कर रही थी और मैं अनुषा को हॉस्पिटल लेके जा रही थी और वहाँ पे डॉक्टर ने बुफे लगाया। व्हाट अ ड्रीम, क्या बात है। अजीब और गरीब लाइक अस व्हाट यू कहती मामा, ये 10 से 12 ख्वाब देखे मेरे का, क्योंकि आज संडे था तो बहुत लंबा सो रही। प्रेडिक्शन करें जनाब कौन जीतेगा, पापा बताएं क्या रिव्यूज है मैच के। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। गाना शुरू करना प्लीज, अभी ये गाना गाना मत शुरू, जब गाना शुरू होता है ना मेरा दिल बाहर आ जाता है। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है ना। कोई प्यारा यार मौसम हो गया ना कि शुक्र है। अब मेरा ख्याल है कि एक दो दिन हमारे अच्छे आराम से गुजर जाएंगे और ईद में भी जा रहे बच्चों, बड़े काम दिन रह गए। तुम लोगों ने जूते नहीं लेने, जूते भी लेने, बड़ी बात है। आप लोग याद आ गए, अगर मूड अच्छा हुआ तो चले जाएंगे, ना अच्छा हुआ तो घर आ जाएंगे। मैंने एक बॉल भी मिस नहीं करनी, मैं तो ये सोच रही थी कि अम्मी के घर से जब अपने घर जाना है तो वो किस टाइम में आना, तक मैच मिस ना हो। टी ब्रेक होगी तो उसमें चले जाएंगे, टी ब्रेक नहीं होती वो, एक टीम खेलना बंद करती है। लाइक एक मसला तो हल हो गया, इस तरह सारी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो स्क्रीन लगी हैं कि अब तुम्हें जब मैच देखना होगा ना तो तुम यहीं से देखते देखते आगे जा सकते हो। अब यहीं पे तुम बेशक खड़ी कर लेना यहाँ पे इस तरह, और आराम से अपना मैच देख लेंगे जब हमने घर जाना होगा। और हमें मैच की इतनी टेंशन थी, हमने सारे रास्ते सिर्फ यही बातें की, हमें ये नहीं है ना लाइकों की मम्मी के लिए नहीं, हम मम्मी के लिए कोई फ्रूट ही ले जाए जी। अब यहाँ से जहाँ से हमने टर्न लेना है यहाँ पे कोई फ्रूट की शॉप ही नहीं है। अब यही मैं देख रही हूँ कि अब क्या करें, उधर जाके फिर मैं मंगवाऊँ। नहीं, ईद का रश है, ईद का रश है, आजकल ईद आ रही है ना तो उसका रश ज्यादा बढ़। और अभी जी हम आ गए हैं अम्मी के घर, और अम्मी अम्मी ने अम्मी आपने ये किस बंदे को काम दे दिया, इतना सेंसिटिव है अम्मी, मुझे बताएं कोई काम है तो अम्मी मुझे बताएं। और अम्मी ये किसकी शादी के अभी तक आपने हार लटकाए हुए हैं, शानी की शादी के? आमीन। और अम्मी ने इतनी गर्मी के अंदर इतना ज्यादा खाना जो है वो अरेंज कर लिया, इतनी मजे की खुशबुएं आ रही हैं यार। अम्मी के हाथ के खाने की ना अपना ही मजा, अपना ही जायका है, इसमें कोई शक नहीं है, बाकी मतलब कोई शक नहीं है। अम्मी क्या बनाया? वाह जी वाह, ये चिकन कबाब, मलाइका बिरयानी भी बनी है, मजे हो गए। आपको नजर नहीं आ रहा उस टाइम के ऐसी खड़ी अम्मी के सामने? खाना लग गया जी, अली तेज हुआ और मामा किस्मत हमारे साथ ही, मैच एक घंटा लेट हो गया है ना, जो बात है इतनी एक्साइटमेंट है सुबह से। एग्जैक्टली, प्लीज स्टॉप स्टॉप, आपकी बारी, आप हमें पैसे दें पहले फिर आप जाएंगे, मैं दे देता हूं आपके, वरना मैं आपको जेल में बंद कर दूंगी। पैसे दो, ये रहे, कहाँ है ये तो हाथ है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे मैं दे देता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ 10 लाख दो, अली जाओ बारी दो, आलमगीर से 10 लाख रुपया मांगा। नहीं नहीं मुझे याद नहीं करना, 10 लाख। पाकिस्तान टॉस जीत गया, हमजा का दिल दी कर और आलमगीर का भी, उन्होंने जाना एग्जैक्टली। हमजा भी कैसे कह रहे थे, ओहो मैच का चांसेस -1 लग रहे हैं अब तो, अब हम घर ही जाके देखेंगे। भाई घरों ही शुरू हो रहे हैं, मतलब कोई पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे यार, पता नहीं क्या होता है। अच्छा वैसे दिल डरता भी बहुत है, लेकिन दिल करता भी बहुत है कि पाकिस्तान और इंडिया का हम थोड़ा सा मैच देखें, मतलब थोड़ा सा वो अच्छा खेले तो हम देखें, अगर पाकिस्तान ने गंदा खेलना शुरू किया तो अल्लाह करे उसी टाइम बारिश शुरू हो। आमीन। शुरू होता गया और हम निकल आए, बस दुआ करें हम फर्स्ट ओवर में ही पहुंच जाएं, पहली बॉल पे ही हम पहुंच जाएं यार, कसम से। अब आगे सारे रास्ते यहाँ पे ब्लॉक हैं। और अभी तक जो है ना वो मैच वगैरह शुरू नहीं हुआ, इसीलिए इन स्क्रीन्स के ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा वैसे ना हमारे घर का और अम्मी के घर का रास्ता जो है ना वो हार्डली 7 से 8 मिनट की ड्राइव है, लेकिन आप यकीन करें कि आज इतना लंबा रास्ता हो गया ना कि अब मैच शुरू हुआ है, हमें लग रहा है हम पता नहीं कब के हम घर से निकले हुए, अम्मी के घर से घर आने के लिए। तो खैर अम्मी ने हमें ये साथ में खाना जो है वो भी पैक करके दिया, और अम्मी बहुत मजे का खाना, बहुत मज़ा आया, भाभी लोग चले गए, अब हम जा रहे हैं पूछने वाले हैं घर, घर जाएंगे जाके सबसे पहले रिमोट उठाना, टीवी लगा लेना। फाइनली जी
जल्दी जल्दी गेट खोलें, गाड़ी बाद में बंद कीजिएगा, आ जाएं गेट खोलें अपन। वाह जी वाह, क्या हुआ है? चांद भी बहुत प्यारा लग रहा है। चलो देख, अच्छा मलाइका बताओ कितने आउट हुए होंगे अभी तक इंडिया के? एक आ तो वैसे बनता है ना। चले भागो 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 भाग के चले जी, खाना अम्मी के हाथ का साथ साथ लेके आए हैं। ओ आगे भी लॉक है, चलो खुल जाए। चलो जी ऑन करें, ऑन करें टीवी। खाना है यहाँ पे, रखते हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की धड़कने सब की हैं शदीद वाली तेज। अल्लाह ना करे। बिस्मिल्लाह। Gosh, there's a little bit of India. अभी हुआ ही नहीं है मैच। हैं? मैच नहीं स्टार्ट हुआ। क्यों? बारिश हो रही है। हैं? हाँ जी। अड्डा सी बाज के अंजे ही आया। ग्राउंड फिर खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर चले गए। चलो बच्चों उठ जाओ सारे, अपने अपने कपड़े चेंज करो। रुशा तुम इतनी देर में मुझे फटाफट सी चाय बना दो और फिर हम मैच देखते हैं इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ लग ही जाएगा मलाइका। रोहित शर्मा एयर ट्रांसफर, विराट कोहली सिफर पर क्रीज पर मौजूद। कोई आउट, मतलब कोई आउट नहीं हुआ जी। मैच होने लगा शुरू, पहली अब बॉल देख ही। हाँ एक ओवर हो गया, मैंने चाय बनवाई है पहले, फिर हमने दुआएं की हैं कि कुछ तो बने ना। उठने वाली पिच है, दोनों तो सारा ग्राउंड ही आज ब्लू है ना। सही बात है, जो है वो चार पे चला गया। दिल खुश हो गया कसम से, पहला आउट हो गया। लिटरली मुझे गूज बम्स हो गए जब दूसरा आउट हुआ, तो कसम से रमजान ने इतने जोर से चीख मारी है कि मेरे कान के पर्दे फट गए हैं। ओ माय गॉड, हैट्रिक, कैचेस के बाद तो डिजर्व करता है। ओ चलो खैर है, बट इट्स ओके भाई, दो पे भी इतने पे भी खुश है हम। ये देखिए मामा दोबारा हैट्रिक, हम लोग हैट्रिक पे हैं। जबरदस्त यार, वाह मेरा ख्याल है, सोचो कसम से स्ले ब्रो स्ले। इमाद हुसैन का कोई तीसरा कैच था, वाओ रोइज ऑन हैट्रिक ब्रो प्लीज, अभी आउट हो जाए कसम से, मजा ही आ जाए। Wow, that was so cool. What a wicket. रोहित शर्मा, हमें फिर से भूख, खुशी से भूख लगी है और मैं भी यही कह रही थी, मैंने कहा इंडिया ने ना हमारा कर्ज चुका दिया। Exactly. दो जो कैच उन्होंने ड्रॉप किए हैं, बाबर बाबर रिजवान दोनों। नहीं मैं वैसे ही हमारी टीम पे राजी हूँ, बस इंडिया की टीम 20 ओवर नहीं खेल सकी। 120 रन नहीं बन रहे, 120 रन्स क्या, मुझे तो ये हो रहा है कि ये हमें अटैक दिलाए बगैर ना मैच कुछ भी नहीं कर सकते। हमसे 120 रन नहीं बन गए, 20 बॉलों पे 31 रन, मैच फंस गया। अगर से हमारे पॉइंट एंग्जायटी शुरू हो गई अब तो। हाउ डिड वी इवन लूज दिस? हेलो हियर कैटा अब हो गई है सुबह और अगले दिन मैंने उठाया है कैमरा, मैंने कहा अपने मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। रात को मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि लिटरली मैं रोने लग पड़ी। एक तो देखे ना, एक होता है वन साइडेड मैच, क्योंकि हमारा टोटल वन साइडेड था, टारगेट उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया, विकेट्स हमारे हाथ में थी, बॉल्स हमारे पास थी, हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी टीम ने एज यूजुअल नहीं किया। तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो। मैंने एक फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ पे जाके क्लिक करना। बाकी ईद पे बड़े मज़े होने वाले हैं, इस दफा हमारे साथ पता है आके कौन ईद कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग को देखने पड़ेंगे मेरे व्लॉग्स। कुछ नया ही होगा इस दफ़ा ईद पे हमारे साथ, माशाल्लाह कोई आके मेरी फैमिली में से हमारे साथ ईद करेगा और इंशाल्लाह ताला हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और ये साथ में कुछ गिफ्ट जो हैं वो गिव अवे के मेरी तरफ से जा रहे हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आ जाए, ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो आगे मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।